जबरदस्ती जाएंगे आप फोन नहीं लेकर जाएंगे तो उधर बग नहीं नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वालों, ड्राइवर कमाने निकला है ना कि गंवाने। आज की ब्रेकिंग न्यूज में ऐसी घटना जो ना देखी होगी ना सुनी, जिसको देखकर हम भी सकते में आ गए। दोस्तों, आज की ये घटना ऐसी है जिसको देखकर हमें भी समझ में नहीं आया कि आखिर किसको सही कहें किसको गलत, क्या ड्राइवर सही है या पुलिस कर्मी। कुछ अटपटा सा है, आपको भी देखकर एक बारी तो ऐसा ही लगेगा। चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। नहीं उतर, उधर बग नहीं, जबरदस्ती बैठो, क्या उतरा न लेंगे, हमारी गाड़ी में कुछ आएगा उतरा न लिया, जबरदस्ती जाएंगे आप हम नहीं लेकर जाएंगे तो। देख रहे हैं आप इस वर्दी को, आपने ध्यान से देखा, इस वर्दी पे जो साइड में नाम लिखा है, बैच बना हुआ है, उस पर लिखा है उप्रापू, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस। और आपने ड्राइवर को कहते हुए भी सुन लिया कि यहाँ कुछ जबरदस्ती हो रही है, ड्राइवर इनको आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जनाब किस तरह से अपनी आंखों से यहाँ पर ड्राइवर को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखिए, महसूस करिए, इनका ड्राइवर को घूरना देखिए। ड्राइवर के हाथ में मोबाइल जिसमें वीडियो बन रही है, उससे ये कितने आहत नजर आ रहे हैं वो देखिए। और यकीन मानिए, ऐसा लग रहा है देखने पर कि अगर हाथ में ड्राइवर के मोबाइल ना होता, वीडियो ना बन रही होती, तो ना जाने ये इस ड्राइवर का क्या कर देते, क्योंकि वो वर्दी वाला रोग तो रहता ही है ना। ये घटना 14 सितंबर की है, जगह है बक्सर बलिया पुल। पुल बिल्कुल पार करते ही यहाँ पर गाड़ी रोक दी ड्राइवर ने। दरअसल यहाँ पर ये पुलिस वाले लिफ्ट लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने इनसे पहले ही पैसे मांग लिए, क्योंकि वो जानता था कि तन पे वर्दी है, बाद में पता नहीं कुछ मिले ना मिले। अब इन जनाब ने जाना था गाजीपुर, जो कि रास्ते में पड़ता था, लेकिन शुरुआत में ही जब इन्होंने पैसे मांग लिए और भाप लिया कि क्या होने वाला है, तब देखिए इन्होंने अपना असली रूप दिखाया ड्राइवर को। खींच लीजिए, खींच लो, खींच लो, फोटो चलाना ना कटवा, खींच लो, हमारे पास प्रूफ है ना, हमने ले गया चलान कटवा, खींच लो, ये हमारी गाड़ी का चलान काट रहे हैं, नहीं लेकर जा रहे हैं तो। देखा आपने, असली रूप दिखा दिया, उतर के तुरंत फोटो खींच ली और चालान करने की धमकी दे डाली। आखिर इसमें इतना आहत होने की या गुस्साने की क्या बात है कि आपने अपनी वर्दी का रोब दिखा दिया, चालान की धमकी दे डाली। भाई, आपके तन पे वर्दी है, आप किसी भी पैसेंजर गाड़ी में जा सकते हैं, बस में जाएंगे तो भी फ्री आपको भेजा जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा, आप वहां चले जाइए। लेकिन ये ड्राइवर जो पैसा कमाने निकला है, लोडिंग लेकर दो पैसा बचाने निकला है, अगर उसने पैसा मांग ही लिया आप जैसे बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वालों से, तो क्या गुनाह कर दिया। अब सबसे बड़ी बात, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिन पर आजकल वैसे ही बड़े आरोप लग रहे हैं कि ये मनमानी करते हैं, और ये वीडियो इस बात पे कहीं ना कहीं मोहर लगाती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है, और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए, यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है, और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भैया।